चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। आपने एक शब्द सुना होगा कृत्रिम और अकृत्रिम, है ना। कृत्रिम का मतलब होता है बनाया हुआ और अकृत्रिम का मतलब होता है जिसको किसी ने बनाया नहीं है, है ना। जिसको बनाया है वो मिटता भी है और जिसको बनाया नहीं है वो कभी ख़त्म भी नहीं होता है। शब्द में से सुना होगा आप लोगों ने नेचुरल, प्राकृतिक, अननेचुरल, और एक और शब्द आता है बोले वो आर्टिफिशियल। हाँ क्या बात है, ये सबको याद है, ये मुझे याद नहीं था। आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल का मतलब नकली, नकली का मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी कि सोने की नहीं है, किसकी है तो पीतल की है, लगती है सोने जैसे है पीतल की। तो कृत्रिम और अकृत्रिम दो चीज़ें होती। आपकी मुस्कुराहट भी दो तरह की होती है, अरे बोलिए ना, अभी तो अकृत्रिम है। अकृत्रिम का मतलब ये नहीं कि मतलब नेचुरल है, लेकिन यहाँ जो अकृत्रिम का अर्थ बताऊंगी वो अलग है। कृत्रिम का मतलब जो बनाया गया है, मकान आपने बनाया है, कपड़े आपने बनाए हैं, भोजन आपने बनाया है, ज्वेलरी आपने बनाई है, सड़क आपने बनाई है ना, बनाया ना। लेकिन उस मकान में जो सीमेंट लगी है वो बनाई क्या, वो तो फैक्ट्री वालों ने भी नहीं बनाई, उनने तो केवल पत्थर पीस के दे दिया है। पत्थर को पीसते हैं तो वो सीमेंट बन जाती है, उन्होंने भी नहीं बनाई। लिखते जरूर है ये हमारे यहाँ की बनी हुई सीमेंट है, सबसे पक्का जोड़। अब वो कौन सी वाली है आप देखो, मुझे नहीं पता है। मकान आपने बनाया, सीमेंट केवल पत्थर को पीसा है और कुछ नहीं किया। ईंट किससे बनती है, मिट्टी से। ईंट तो आपने बनाई है, मिट्टी बनाई क्या आपने, नहीं बनाई। ईंट में उस मकान में रेत भी लगती है, रेत आपने बनाई क्या, नहीं बनाई। इन सब चीज़ों को मिलाने के लिए पानी भी लगता है उसमें, पानी आपने बनाया क्या, नहीं बनाया। जो पुताई होती है तो चूने से होती है, चूना आपने बनाया क्या, नहीं बनाया, है ना। मकान तो बनाया है लेकिन मकान में लगने वाली वस्तु आपने नहीं बनाई। इसका मतलब मकान कृत्रिम है और उसमें लगने वाली वस्तु अकृत्रिम है। मिट्टी किसी ने नहीं बनाई, जब भगवान आदिनाथ थे तब भी यही मिट्टी थी, जब भगवान महावीर थे तब भी यही मिट्टी है, और जब आप हो तब भी यही मिट्टी है। और चाहे कितनी भी सदियां बीत जाएं, कितने युग बीत जाएं, कितने काल बीत जाएं, मिट्टी यही रहेगी, पानी यही रहेगा, पेड़ पौधे इसी तरह से रहेंगे। पेड़ पौधे आपने बनाए क्या, नहीं बनाए। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। हवा आपने बनाई क्या, नहीं बनाई। हवा भी आपने नहीं बनाई, आपने का मतलब मनुष्य ने, आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। आप तो केवल अपने घर के अलावा कुछ सोचते ही नहीं हो, इससे ज़्यादा बुद्धि बाहर जाती नहीं बनाने में। हाँ कहीं बन रहा हो तो थोड़ा बहुत सहयोग जरूर दे देते हो, भाई मंदिर बन रहा है चलो थोड़ा सा सहयोग मेरा भी ले लो, बनाते नहीं हो। तो जो चीज़ बनाई जाती है उसे कृत्रिम कहते हैं, और जो चीज़ बनाई नहीं जाती, हमेशा से थी, है और रहेगी, उसको कहते हैं अकृत्रिम। अब आपने जन्म लिया, किसने जन्म लिया, अरे बोलिए ना, किसने जन्म लिया, आप बताओ जन्म किसने लिया, आत्मा ने लिया कि शरीर ने लिया।
आत्मा को नया शरीर मिला उसको हमने जन्म कह दिया, और आत्मा से शरीर छूट गया उसको हमने मृत्यु कह दी। यही बात है ना। तो शरीर बना है, शरीर माँ के गर्भ में बना था, फिर बाहर निकले तो फिर भोजन के द्वारा बनाया गया। बड़ा हुआ तो भोजन की आवश्यकता तो है ना। यदि भोजन नहीं डालोगे तो शरीर की रचना भी होने वाली नहीं है, उसको भोजन की आवश्यकता है। तो शरीर बना है इसलिए एक दिन मिट जाएगा। आत्मा ना बनी थी, ना बनी है, ना कोई बना सकता है, इसलिए अकृत्रिम है। जैसे भगवान महावीर कहते हैं कि संसार में 6 द्रव्य हैं। कितने? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब हमने यहाँ कह दिया कि शरीर बना और मिट गया, तो ये कृत्रिम हो गया। लेकिन इस शरीर में लगने वाले जो परमाणु हैं वो अकृत्रिम है, वो है पुद्गल। क्या है? पुद्गल। पुद्गल रूप परिवर्तन कर लेता है मगर खत्म नहीं होता है। मान लो ये शरीर बना, जब तक जिए तब तक साथ रहा, फिर शरीर से आत्मा उड़ गई, तो इस शरीर का क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम आपको? कितने सीधे लोग आए हैं। इस शरीर को जला देते हैं। शरीर जल गया तो क्या बन गई? राख। क्या बन गई? राख। हवा चली, वो राख उड़कर यहाँ वहाँ चली गई तो क्या बन गई? कुछ दिन के बाद वो राख मिट्टी बन गई। ठीक है ना, मिट्टी बन गई। अब राख मिट्टी बन गई, अब आई बारिश। क्या आई? बारिश। बारिश आई तो वहाँ पर घास उग गई। अब वो राख क्या बन गई? घास बन गई। अब वहाँ पशु आए और पशु ने घास चरी, गाय ने घास चरी, अब वो क्या बन गया? दूध बन गया। मैं पुद्गल की पर्याय बता रही हूँ, एक शरीर से लेके एक दूध बनने तक की पर्याय। फिर किसी बच्चे ने उस दूध को पिया या किसी बड़े ने उस दूध को पिया, फिर शरीर बन गया। फिर शरीर बन गया, फिर वापस वही कहानी शुरू हो गई। नाश नहीं हुआ, एक भी पुद्गल के अंश का कोई नाश करने में सक्षम नहीं है। किसी भी एटम बम में, अणु बम में इतनी शक्ति नहीं है कि रेत के एक कण को भी नष्ट कर दे। रेत के एक कण को भी नष्ट कर दे। पर्याय परिवर्तन हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। तो ये जो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जैसे आप कपड़े पहने हैं, है ना, कपड़े पहने हैं ना, नए कपड़े भी होंगे ये कभी, ठीक है, फिर ये पुराने हो जाएंगे, फिर क्या होगा? अरे बोलिए ना, फेंक देंगे। फिर कचरा की ट्रॉली कहाँ जाएगी? जंगल में, तो वहाँ डाल के आ जाएगी। फिर बारिश आएगी, फिर वो मिट्टी में मिल जाएगी, और कुछ दिनों के बाद वो मिट्टी बन जाएगी। फिर जो कपास है, कपास उग जाएगी, कपास के पेड़ होते ना, कपास के पेड़ उग जाएंगे, फिर उसमें से रुई निकलेगी, फिर कपड़ा बन जाएगा। एक कपड़े की कहानी है। अब पानी की कहानी ले लो, सूरज है, जब सूरज उगता है तो पानी सोखता है। क्या करता है? पानी सूखता है। तो सूरज ने समुद्र का पानी सूखा और सूखा सूखा के समुद्र को बादल बना दिया। बादल बन गए, बादल आके बरस गए सब जगह, जा जा के हवा के द्वारा यहाँ वहाँ हुए, वो सब जगह जाके बादल बरस गए। बरसने के बाद वो जो बरसे बादल थे उसका पानी नदी और नालों के द्वारा फिर से समुद्र में पहुँच गया। तुमने जो पानी पिया वो सूरज ने सोख लिया, उसके भी बादल बन गए, उसकी भी बारिश हो गई, फिर समुद्र, फिर दोबारा वो पानी वहीं पहुंच गया। फिर उसके बाद फिर सूरज ने उसको सोख लिया,
फिर वापस बादल बन के वापिस आ गए, और हम कहते ताज़ा पानी है, बिल्कुल ताज़ा पानी है, बिल्कुल फ्रेश पानी है, बिल्कुल कौन सा वाला पानी, आप क्या नाम लेते हैं उसका, विस्लरी, विस्लरी का बिल्कुल शुद्ध पानी है। अब उस पानी को अरबों खरबों इससे भी ज़्यादा जितनी गिनती होती है उतने गिन लो, इतने लोग पी चुके हैं, उसके बाद तुम्हारा नंबर आया, और तुम्हारा नंबर तो क्या, तुम ही इस पानी को करोड़ों बार पी चुके हो, कितने जन्म में कहाँ कहाँ पी चुके हो पता नहीं है, और वही पानी लौट लौट के फिर यहीं आ जाता है। तो पानी हो गया अकृत्रिम, क्या हो गया अकृत्रिम, यानी जिसको कोई मिटा ना सके और जिसको कोई बना ना सके। इंसान घी बना सकता है मगर पानी नहीं बना सकता। अरे बोलिए ना, एक बार एक सास थी, तो एक बहू ने एक लोटा पानी फालतू फेंक दिया, और वहीं उसकी लड़की घी का डिब्बा लेके आ रही थी, उसके हाथ से घी का डिब्बा छूट गया, गर्मी के दिन थे, घी पिघला हुआ था, घी फैल गया। अब सास ने बहू को खूब डांटा और बेटी से कहा, बेटी कहीं चोट तो नहीं लगी, तू गिर गई है ना, तुझे चोट तो नहीं लगी। बहू को बड़ा गुस्सा आया, पानी जैसे सस्ती चीज कुछ भी पैसे में नहीं मिलता है, और उसके बाद भी इन्होंने मुझे एक लोटा पानी के लिए इतना डांटा, और उसने एक किलो घी गिरा दिया, उससे पूछ रही है चोट तो नहीं लगी। रात हुई, पहले की बहुएं अपने सासुओं के पैर दबाती थी, बहू पैर दबाने के लिए सास के पास पहुंची, अम्मा जी आपने दीदी को तो डांटा नहीं, मुझे डांटा, उसने तो घी गिराया था, मैंने तो केवल पानी फेंका था। बोले देख बेटा, एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं, और एक लोटा पानी में तूने कितने जीवों की हिंसा कर दी एक लोटा पानी फेंक करके, और तूने पानी जो फेंका था ना वो जानबूझकर फेंका था। यदि मैं आज नहीं डांटती, आज तूने एक लोटा फेंका है, कल तू एक बाल्टी फेंकती। और जो बेटी से घी गिर गया था उसने जानबूझकर नहीं गिराया था, वो स्वयं गिरी है तब वो घी गिरा है। कोई भी घी जानबूझकर नहीं गिराता है, इसलिए मैंने उससे पूछा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। दूसरी बात, घी बनाया जा सकता है पर पानी नहीं बनाया जा सकता है। पानी का ट्रांसफर होता रहता है समुद्र से वापस, वापस से यहाँ, जब समुद्र में यहाँ का पानी यहाँ नहीं रहेगा, वह समुद्र में पहुँच जाएगा तो यहाँ पर अकाल पड़ जाएगा। पानी का अकाल पड़ता ना, पानी की कमी आ जाती है गर्मियों में, फिर लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरसते हैं, फिर टैंकर आते हैं, सरकार की तरफ से टैंकर भेजे जाते हैं, फिर टैंकर में से पानी भरते हैं, एक एक कटोरी गिलास सब भर भर के रख लेते हैं, अब 3 दिन बाद आएगा टैंकर, अब नहीं आने वाला, अब भाई पानी जरा देख के खर्च करना, क्योंकि पानी अब 3 दिन आने वाला, या 3 दिन नल नहीं आने वाले तो 3 दिन तक पानी चलाना है। अब बड़े देख देख के खर्च करते हो, और पानी सहजता में मिल जाए, धरती की छाती खोद खोद के पानी निकालते हैं, इतने छेद कर दिए, इतने छेद कर दिए कि अब पानी नीचे नहीं बच रहा है। तो आने वाले समय में काल के हिसाब से दिक्कत आती है, समय के हिसाब से दिक्कत, पंचम काल है, दुखमा काल है, दुख के कारण बढ़ेंगे, दुख के कारणों में एक कारण पानी भी हो जाएगा। भाई किस वजह से परेशान हो, पानी की वजह से बहुत परेशान है, इसीलिए पानी की कीमत समझो और पानी को व्यर्थ मत बहाओ। आप जब ब्रश करते हो, सुबह सुबह मंजन करते हो, तो नल चला के मत करो, नल चला के बिल्कुल मत करो, अपना एक लोटा पानी लो उससे करो। उससे क्या होगा, नल चलाओगे तो एक बाल्टी पानी लगेगा, और लोटा लोगे तो एक लोटा में काम हो जाएगा। ना जाने आपने कितने जीवों को प्राण दान दे दिया, आपने दया दान कर दी, और आपने कितने जीवों पर करुणा कर दी। ये भी धर्म है, जरूरी नहीं कि पूजा करना भी धर्म है, यदि आपने जीवों की रक्षा की है तो वो भी धर्म है।
अब आपने रक्षा किस तरह से की? पानी से की, पृथ्वी से की, चींटी को बचा के की, सामने वाले को बचा के कैसे की, वो बात अलग है, लेकिन रक्षा करने के भाव से आप घर में रहकर भी धर्म करते हो। बताइए, घर में रह के धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो पानी किसी ने बनाया नहीं है, अब तो फिर भी पानी बिकने लगा है। पहले के समय में पानी का व्यापार नहीं होता था, जो बड़े बड़े सेठ होते थे तो राहगीरों के लिए, मुसाफिरों के लिए घड़े रखवा देते थे और एक आदमी बिठा देते थे कि भाई कोई भी आए सबको पानी पिलाना। अभी भी परंपरा है, अभी भी ये परंपरा चल रही, बहुत जगह चल रही है। तो कृत्रिम और अकृत्रिम, पेड़ किसी ने नहीं बनाए, काट तो लेते हो, बनाना नहीं आता है। आप चाहो कि एक पेड़ हम बना दें तो आप नहीं बना सकते, आप फूल नहीं बना सकते हो। एक फूल जो बनाते ना उसमें खुशबू भी नहीं होती है, नकली फूल बनाते ना कुछ लोग, देखने में असली लगते हैं मगर उनमें खुशबू नहीं होती है। असली फूल तो असली पॉजिटिव वर्गणाएं देता है, नकली फूल नहीं देता है। तो पेड़ नहीं बना सकते हो तो कम से कम काटो भी मत, कम से कम पेड़ों का उपयोग करो, और जितने पेड़ लगा सको उतने पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ों के द्वारा मनुष्य की रक्षा होती है। आज आप हैं, आने वाले समय में आपकी पीढ़ी आगे आएगी, आपने सारा जंगल काट दिया, सारी बारिश की व्यवस्था, ठंड की व्यवस्था, गर्मी की व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। बारिश नहीं हो रही कहीं कहीं, क्यों नहीं हो रही? पेड़ काट दिए इसलिए नहीं हो रही, क्योंकि बादलों को खींचने में पेड़ भी एक कारण है। बाढ़ आती है तो पेड़ों के माध्यम से बाढ़ रुक रुक के आती है, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। हवा आती है, तूफान आता है तो पेड़ उसे रोक लेते हैं और आपको नुकसान नहीं होता है। गर्मी आती है तो जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां का टेम्परेचर, और जहां पेड़ नहीं होते हैं वहां के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों से पेड़ रक्षा करते हैं, इसलिए पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। पेड़ के ऊपर से एक बड़ी अच्छी कविता है, कहो तो सुना दूं। अरे बोलिए ना, सुना दूं? पेड़ क्यों बड़े होते हैं? आदमी की हाइट कितनी और पेड़ों की हाइट कितनी? पेड़ क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि वे उनसे नहीं करते ईर्ष्या जो उनके पास खड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। वे लड़ते हैं आंधी और तूफान से, वे रक्षा करते हैं तुम्हारी। वो जितने आंधी तूफान गर्मी बारिश से लड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। तुम क्या करोगे अपने दुकान और मकान की रक्षा? तुम क्या करोगे अपने दुकान और मकान की सुरक्षा? तुम्हारे दुकान और मकान में जो दरवाजे बनकर जड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। माँ की गोद ही विकास का कारण है, माँ की गोद ही विकास का कारण है। शायद जानते हैं वे इस राज को, इसलिए धरती माँ में गहरे गहरे गड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। जो पेड़ जितना ऊंचा गया, जितना फैला है, समझना उसकी जड़ उतनी ही अंदर है। आजकल के आदमी, आजकल के बच्चे, आने वाली पीढ़ी में, पीढ़ी को पता मैं क्या कहती हूँ? गुलदस्ते का फूल, जो अभी मुस्कुरा रहा है, जड़ नहीं है, जिसमें जड़ नहीं है, धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, बस आक्रोश है। जरा सी बात में रोएगा, जरा सी बात में हंसेगा, जरा सी बात में डिप्रेशन में आ जाएगा, जरा सी बात में खिलखिलाने लगेगा। जड़ नहीं है इनके पास। पेड़ों से शिक्षा लें कि गहराई, गंभीरता, सहनशीलता, धैर्य जिसके जीवन में होता है, उसके जीवन में परेशानी आ भी जाती है तो वो सहन करने की ताकत रखता, ठीक है मैं इसका सामना करूंगा। तो धरती माँ में गहरे गहरे गड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। पर
लगता है मानव की मानवता मर गई है, हैं? एक और लाइन है, वो जीवन और मरण तुम्हारे साथ चलते हैं, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलते हैं, पल्ले में झुलाते हैं और मरने के बाद साथ जलते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। लगता है मानव के अंदर मानवता इतनी भर गई है, मानवता इतनी मर गई है कि कोई सुनता नहीं मेरी आवाज़, मत काटो पेड़ों को, मत सजाओ, और हो सके तो पेड़ जैसा बनकर दिखाओ, और हो सके पेड़ जैसा बनकर दिखाओ। इंसान का काम है केवल बीज डालना। क्या काम है? बीज डालना, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता है। जैसे आप अपने कपड़े धोने की मशीन में कपड़े डाल देते हो, पानी डाल देते हो, सर्फ डाल देते हो, और उसके बाद में मशीन चालू कर देते हैं, फिर बाद में कोई पूछता है क्या कर रहे हो, कपड़े धो रहे हैं। आप बताओ कपड़े कौन धो रहा है, सच बताओ है, कपड़े कौन निचोड़ रहा है, कौन निचोड़ रहा है? मशीन कपड़े निचोड़ रही है, मशीन कपड़े धो रही है, और तुम क्या कहते हो, कपड़े हम धो रहे हैं, हैं? फिर तुम कपड़े फैला देते हो तो कहते हम कपड़े सुखाने जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर ताकत है सुखाने की? कपड़े किसने सुखाए? प्रकृति ने सुखाए, धूप ने सुखाए, और तुम क्या कहते हो, हमने कपड़े सुखाए। तुमने केवल फैलाए हो, सुखाए नहीं हो। जब भोजन बनाते हैं तो हम भोजन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। अब भोजन में आटा ना हो, नमक ना हो, दाल ना हो, मसाला ना हो, गैस ना हो, अग्नि ना हो, चम्मच ना हो, परात ना हो, और फिर भोजन बना के बताओ तो हम मान लेंगे आपने बनाया है। सारी चीजें तो वहां इकट्ठी थी, तुमने तो केवल मिला दिया है, मिलाई तो है, गैस ने उसे गर्म किया है, अग्नि ने उसे सेंका है, मसालों ने उसमें स्वाद डाला है, बस इतनी बात है कि कितना डालना है, क्या डालना है, इतना काम आपने किया है, इससे ज्यादा काम आपने नहीं किया है। और क्या कहते हो, मैंने बनाया है। एक कर्तापन की भावना, कर्ता ने कर्म को, कल मैंने कर्ता के विषय में बताया था कि अपने आप को कर्ता, केवल हम अपने भावों के कर्ता हैं, हम किसी वस्तु के कर्ता हैं ही नहीं है। लोग कहते हैं हमने इसको जन्म दिया है, अपने बच्चों के लिए क्या कहते हो, जन्म दिया तुझे हमने। बताइए कोई माँ किसी बच्चे को जन्म दे सकती है क्या? उस बच्चे का भाग्य है कि उसने जन्म लिया है, उस बच्चे का भाग्य नहीं होता, और तुम्हारा भाग्य देने का नहीं होता तो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी कि तुम दे सकती थी। बच्चे का भाग्य था, उसने जन्म लिया है, जन्म दिया नहीं है। अरे बोलिए ना, जन्म लिया है। बहुत से हैं जिनके बच्चे नहीं होते, अब ताकत हो तो मैंने तो करके बताओ, लेकिन नहीं है तो नहीं है, हैं तो हैं। ये सब कर्मों के ऊपर निर्भर है। तो कर्तापन की भावना, मैंने पेड़ लगाया, मैंने बाग लगाया, चलो भाई अच्छा है, कम से कम तुम कर तो रहे कुछ, मैं के कारण से कर रहे, कर तो रहे हो, किया नहीं है लेकिन मान रहे हैं। बस इस धारणा को छोड़ना ही धर्म है कि मैंने किया है, मैंने नहीं किया है। मैं जैसे गैस सहयोगी है, मसाला सहयोगी है, सब्जी सहयोगी है, आटा सहयोगी है, ऐसे उन सहयोगियों में मैं भी एक सहयोगी हूं, उन कारणों में मैं भी एक कारण हूं उसकी पूर्ति के लिए, बस इससे ज्यादा निमित्त हैं। किसी भी वस्तु के बनाने में निमित्त हैं, हम कर्ता नहीं है। तो बात चल रही है कृत्रिम और अकृत्रिम के, कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति किसी ने नहीं बनाई। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य किसी ने नहीं बनाए। ये सब एक साइकिल चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें कोई
कर नहीं रहा है, बस बीज डाल रहे हैं, पेड़ उग रहा है, फल खा रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, एक बीज के एक पेड़ आता है, उसमें 20 फल आ जाते हैं। एक पेड़ में कितने सेब होते होंगे? एक, बहुत सारे। एक आम के पेड़ में कितने आम होते होंगे? यानी हम एक कर्म करते हैं तो उसका फल जब आता है तो एक में नहीं आता है, अपने साथ पूरा परिवार लेके आता है, अकेला नहीं आता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा काम करोगे तो उसका फल भी वैसे ही मिलेगा, और बुरा काम करोगे तो उसका फल भी वैसे ही मिलेगा। जैसे बीज बाहर डाले जा रहे हैं, वैसे बीज कर्मों के अंदर डाले जा रहे हैं। और बीज कब डलते? क्रिया हुई और बीज डल गया। अच्छी क्रिया हुई तो शुभ बीज डल गया, अशुभ क्रिया हुई तो अशुभ बीज डल गया, और क्रिया रहित हो गए तो शुद्ध बन गए। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान, अन्य परमात्मा, सिद्ध भगवान, ये शुद्ध हो गए। इनने बीज डालना छोड़ा, ध्यान किया तो बीज डालने बंद हो गए। ध्यान की अवस्था में क्रिया नहीं होती है। कल बताया था ना, जेह ध्यान ध्याता ध्येय को ना विकल्प बच भेद न जहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुभ उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां तक द्रग ज्ञान व्रत ये तीन धाये कैलसा। आत्मा में ध्यान किया, कर्ता ने कर्म को करण से लगा लो आप विभक्ति सारी इसमें। जहां दूसरा आ जाएगा, राम ने श्याम को किया, या किसी महिला ने भोजन बनाया, तो ये जो षटकारक ये बाहर लग जाएंगे, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तो ये षटकारक हमारे लिए लग जाएंगे। और जब हमारे लिए लगेंगे बस वहीं कर्म आना रुक जाएगा। समय हो गया है, अभी जो बात मुझे शुरू करनी थी अभी वो शुरू भी नहीं हो पाएगी, समय हो गया है। बात चल रही कृत्रिम और अकृत्रिम की, अभी तो कृत्रिम की नहीं हो पाई, अकृत्रिम पे तो पहुंचूंगी अभी, अभी तो बहुत आगे है अकृत्रिम का मामला, बहुत कुछ अकृत्रिम है दुनिया में। मैं कहाँ पहुंचाना चाहती हूँ, एक दो दिन लग जाएंगे पहुंचने में, आप लोग धैर्य से सुनना। यदि आपको अकृत्रिम जानना है कि क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो चर्चा होगी उस पर, तो आप बड़े धैर्य से, और छोड़ना मत, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। कागज के रिम का, मोबाइल में सिम का, और संसार में वस्तुओं में कृत्रिम का बड़ा ही महत्व है। लड़कों के लिए जिम का, पेड़ों में नीम का, और वस्तुओं में अकृत्रिम का बड़ा ही महत्व है। समय में पल का, किसान में हल का, और सही सदुपयोग करने में जल का बड़ा ही महत्व है। हरियाणा में जी का, तीर्थों में समय शिखर जी का, और रोटी में घी का बड़ा ही महत्व है। कितनी जोर से बोले बड़ा ही महत्व, हाँ घी बोल रहा है ये, पानी नहीं बोल रहा, घी बोल रहा है। सब्जी में छोंक का, शिखर जी में टोंक का, और आने वालों में टोंक का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, आने वालों में मुंबई गोरे गांव का, गोरे लोग गोरे गांव से आए हैं। साधुओं के आहार का, करवाने में बिहार का, और आने वालों में विवेक विहार जयपुर का। सांगनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगनेर का बड़ा ही महत्व है। निवाई का, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, आने वालों में निवाई का। श्योपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर और श्योपुर का बड़ा ही महत्व है। साईबाड़, अच्छा, जंगल में झाड़ का, बाग में बाड़ का, आने वालों में साईबाड़ का बड़ा ही महत्व है।
हो गए सारे। चलिए जो लोग जहाजपुर में आए उनका भी बता दूं, वृक्षों में बड़का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में रायगढ़ का बड़ा ही महत्व है, बच्चों में शोर का, नेता के दौर का, और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है, रहने के लिए नगर का, पानी में मगर का, और आने वालों में आगर का बड़ा ही महत्व है, वृक्षों में ताड़ का, राजस्थान में पहाड़ का, और आने वालों में झालावाड़ का बड़ा ही महत्व है, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है, जंगल में नाक का, करने में त्याग का, और आने वालों में हजारी बाग का बड़ा ही महत्व है, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में नासिरदा का बड़ा ही महत्व है, बच्चों में प्यार का, महिलाओं में हार का, और आने वालों में हरिद्वार का बड़ा ही महत्व है, बूढ़ों में छड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। बोलिए चौबीसों भगवान की जय। प्रायोजन अच्छा लगा, और जो कहते हैं रियल शांति मिली है, जो घर घर से और अपने लोकल मंदिर में नहीं हो सकता, जो यहाँ आके एक एहसास होता है कि शांति रियली क्या होती है। बड़े बाबा का सादर नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की यह शांति धारा और जिनवर का यह अभिषेक देख के, मुनीश्वर भगवान का यह अभिषेक देख के बहुत ही असीम शांति मिली। नाथ भगवान के दरबार में जैसे ही हम पैर रखते हैं, भाव विभोर, अद्भुत, अलौकिक, चमत्कारित, मन पतित पावन, उद्गम, हर तरह से आदमी को प्रसन्नता, मन में उत्साह, उमंग, तरंग के भाव जागृत हो जाते हैं। जैसे ही बाबा के दर्शन होते हैं, मन प्रफुल्लित, भाव विभोर हो जाते हैं, जिसकी वर्णी, जिसकी महिमा मैं अपने मुंह से करने से तो अल्प शब्दों में मैं क्या कहूँ। सभी भाई एक बार जरूर पधारें, जहाजपुर मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन करके जीवन को सफल बनाए, सही भावना मेरी है। सभी का कल्याण हो। जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्माजी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्माजी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।